साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत से विद्यार्थी क्वेश्चन करते हैं, मैं उसका आंसर देता हूँ। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें क्वेश्चन करेंगे, मैं उसका जरूर आंसर दूंगा। साथियों, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार, मैं एक गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हूँ। जो भी विद्यार्थी डी फार्मा करके, डिप्लोमा इन फार्मेसी करके, बी फार्मा करके, बैचलर इन फार्मेसी करके हॉस्पिटल की जो ट्रेनिंग करते हैं, मैं उनका ट्रेनिंग मास्टर हूँ। साथियों, एक विद्यार्थी ने हमसे क्वेश्चन किया है कि हमारी किसी वीडियो को देखा है और उसने बोला है, थैंक यू सर, आई एम बी फार्मा स्टूडेंट। उसने कहा है कि हॉस्पिटल में प्रैक्टिस या ट्रेनिंग के लिए कौन से ईयर में आना होता है। कहने का मतलब है, विद्यार्थी का क्वेश्चन है, आई थिंक फर्स्ट ईयर में रहा होगा, तो जानना चाह रहा है कि 4 ईयर के कोर्स में हॉस्पिटल की ट्रेनिंग किस ईयर में होती है। साथियों, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जो भी विद्यार्थी डिप्लोमा इन फार्मेसी करते हैं और बी फार्मा करते हैं और किसी तरह की क्वेरी होती है, अगर मुझे वो क्वेश्चन करते हैं, मैं उनका जरूर आंसर देता हूं, और क्वेश्चन अच्छा होता है तो उस पर वीडियो भी बनाता हूं। साथियों, सबसे पहले मैं बताऊंगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डी फार्मा एंड बी फार्मा। साथियों, डी फार्मा होता है 2 ईयर का कोर्स होता है, 3 मंथ की हॉस्पिटल की ट्रेनिंग होती है, डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है। साथियों, ये जो है क्लिनिकल में मैप है, इसमें क्या होता है कि हॉस्पिटल में दवा का रखरखाव से लेकर दवा के वितरण और मरीज को डोज तक की बताने का काम जो है डी फार्मा फार्मासिस्ट का है। साथियों, बी फार्मा होता है, साथियों क्या होता है, इंजीनियरिंग में मैप है। इसमें क्या होता है कि बी फार्मा बैचलर की डिग्री है, 4+ ईयर मतलब 4.5 साल का कोर्स है, 6 मंथ उसमें जो है लगभग इंडस्ट्री ट्रेनिंग भी है, और जो है बैचलर कोर्स है जिसको करने के बाद आप तो या तो प्रोडक्शन में जा सकते हैं, दवा के निर्माण में। दवा के निर्माण में बहुत सी डिवीजन होती हैं, जैसे क्वालिटी कंट्रोल है, पैकेजिंग है, और उसके बाद क्या होता है, सॉलिड डोजेस फॉर्म होती है, लिक्विड डोजेस फॉर्म होती है, सेमी सॉलिड होती है, ऑइंटमेंट होता है, तो बहुत सी डिवीजन में जो है काम होता है। आपकी जिस हिसाब से रुचि होगी उसमें जो है आपको रखा जाएगा। और उसके बाद क्या होता है कि अगर आप एजुकेशन अपनी अपग्रेड कर लेते हैं, जैसे एम फार्मा कर लेते हैं या बी फार्मा है, उसके बाद आप डिप्लोमा इन फार्मेसी वालों को पढ़ा भी सकते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में। उसके लिए अगर आप बी फार्मा पढ़ाना चाहते हैं तो आपको एम फार्मा करना पड़ेगा। और साथियों, बी फार्मा जो विद्यार्थी होते हैं वो इंजीनियरिंग में मैप है, उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट सिर्फ जो है ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है। ड्रग इंस्पेक्टर जो है क्या होता है, लोक सेवा आयोग से जो है एग्ज़ाम होता है, अगर उसको पास आउट करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट में एक ड्रग इंस्पेक्टर होता है और उसकी आपको पोस्ट मिलती है। तो कहने का मतलब है, गवर्नमेंट का जो है जॉब है वो कम है बी फार्मा वालों के लिए। साथियों, बहुत सी लड़ाई लड़ने के बाद, एसोसिएशन के संगठन के बाद, जो केंद्र की ESI हॉस्पिटल है उसमें अप्रूवल हो गया है कि उसमें जो है डी फार्मा बी फार्मा दोनों एग्ज़ाम एक साथ देंगे, और जो पास आउट होगा उसकी जॉब उसमें लगेगी। अदरवाइज जो केंद्र के हॉस्पिटल्स हैं, जो चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं, उसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी के ही लोग जो है डी फार्मा लोग ही उसमें जो है हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, क्योंकि क्लिनिकल में मैप्ड है, उसमें ड्रेसिंग करना, इंजेक्शन लगाना, और जो है क्या होता है कि दवा का रखरखाव, दवा की डोज बताना, भंडार को देखना, मेडिको लीगल संपादित करना ड्यूटी, साथ ही साथ क्या होता है इमरजेंसी ड्यूटी संपादित करना, VIP ड्यूटी संपादित करना, ये सभी डिप्लोमा इन फार्मेसी फार्मासिस्ट का काम है। साथियों, विद्यार्थी ने जो क्वेश्चन किया है उसमें ये दिया है कि किस ईयर में जो है हॉस्पिटल की ट्रेनिंग कर सकते हैं। साथियों, बहुत पहले क्या होता था, बी फार्मा की हॉस्पिटल की ट्रेनिंग नहीं होती थी, सिर्फ प्रोडक्शन या इंडस्ट्री की जो है ट्रेनिंग होती थी। अभी जो है क्या हुआ है कि एक सेमेस्टर में 3rd ईयर के उसमें मैप कर दिया गया, बहुत सी यूनिवर्सिटी का है 4th ईयर में है, डिपेंड करता है। और उसमें क्या होता है, 3rd ईयर में वो ट्रेनिंग का फॉर्म इंस्टीट्यूट से या कॉलेज से लेके जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल है या उनके नेटिव प्लेस के पास है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जिला अस्पताल है, महिला चिकित्सालय है, 100-बेड हॉस्पिटल है, जैसे संयुक्त चिकित्सालय है, CSC है, PSC है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसमें जाके जो है किसी फार्मासिस्ट के अंडर में हॉस्पिटल की ट्रेनिंग कर सकते हैं। साथियों, बहुत सी यूनिवर्सिटी हैं जो 45 डेज के लिए जो है ट्रेनिंग कराती हैं, बहुत सी यूनिवर्सिटी हैं 30 डेज के लिए जो है ट्रेनिंग के लिए बोलती हैं। तो साथियों, जो AKTU है, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, जो लखनऊ में है, उसके जो विद्यार्थी आते हैं उनका 3rd ईयर में जो है ट्रेनिंग होता है, और वो फॉर्म लेके आते हैं हमारे हॉस्पिटल में जो है ट्रेनिंग करते हैं, बहुत से हॉस्पिटल है वहाँ जाके ट्रेनिंग करते हैं। साथियों, बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि जिनको जैसे मौका मिलता है, कि जैसे उनका सेमेस्टर एग्ज़ाम कम्प्लीट हो गया, 10, 12, 15 डेज
जैसे उनकी जो है छुट्टी होती है, वो क्या करते हैं हॉस्पिटल में अपने लर्निंग के पर्पज जो है उसको जो है ट्रेनिंग करने आते हैं और वो अपना सीखते हैं। अदरवाइज जो है अथोराइज जब लेटर होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं एक सर्टिफिकेट जो है इशू करते हैं कि आपकी ट्रेनिंग आपने 45 डेज सक्सेसफुल्ली की है। साथियों उसमें क्या होता है कि सभी कुछ हम सिखाते हैं, वीवो कैसे लगाते हैं, आईवी सेट कैसे लगाते हैं, इमरजेंसी ड्यूटी कैसे संपादित करते हैं, उसमें किस तरह के मरीज आते हैं उसको कैसे हैंडल करते हैं। डॉक्टर साहब के साथ एक जो है फार्मासिस्ट हमेशा इमरजेंसी ड्यूटी में मौजूद रहता है, और ओपीडी होती है उसमें मेडिसिन का वितरण है, मेडिसिन का रखरखाव है, मरीज को डोज बताना है, डॉक्टर जो है मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, मेडिसिन देना और डोज बताने का काम है। उसी तरह से इंजेक्शन रूम है। साथियों इंजेक्शन रूम में जो है इंजेक्शन हाउ मैनी टाइप्स ऑफ द इंजेक्शन और इंजेक्शन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इंजेक्शन कैसे लगता है, वो सभी कुछ हम सिखाते हैं। उसी तरह से जो है साथियों कहता है चेस्ट ओपीडी है, आर्थोपेडिक ओपीडी होता है कि प्लास्टर कैसे चढ़ता है, सभी कुछ हम जो है सिखाते हैं। साथियों तो इसी के साथ विराम देंगे, किसी तरह की क्वेरी है आप हमें जरूर कमेंट करिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। साथियों नमस्कार।